ओम शांति। 5/9/2022 यानी 5 सितंबर 2022 की प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे एक ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो हमसे तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, जो तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को तुम दान करो और भी बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाओ ज्ञान रत्न दान करके। इस ज्ञान रत्न का दान करने की रेस लगानी है। मतलब तुमको सोचना है कि वो ज़्यादा दान न करने पाए, हम ज़्यादा ज्ञान दे दें उसको, ऐसी रेस लगानी है। ठीक है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाना है क्योंकि तुम तो परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से शूद्र से ब्राह्मण बन गए हो, अब तुमको दूसरों को भी ब्राह्मण बनाना है। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर यानी सतयुग में पद से अर्थ है कि सतयुग में ऊंच पद पाने और सतयुग में नीच पद पाने का कारण क्या है। मतलब माला में नंबर आगे व पीछे आने का कारण क्या है? तो उत्तर है श्रीमत की पालना, परमपिता परमात्मा के राह पर चलना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं, जो परमपिता परमात्मा की मत पर चलते हैं, श्रीमत मतलब परमपिता परमात्मा के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं वो नंबर में आगे आ जाते हैं, सतयुग में ऊंच पद पाते हैं। और जो अच्छी तरह पालना करते कल देह अभिमान बस श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते वह नंबर पीछे चले जाते। बाबा कहते हैं जो आज तो अच्छी तरह श्रीमत पर चल रहे हैं लेकिन उनमें कल देह का अभिमान आ जाएगा और श्रीमत में अपना भी मत मिक्स कर देंगे। परमपिता परमात्मा का जो रास्ता बताया हुआ रहेगा उसमें अपनी भी बुद्धि प्रयोग कर देंगे, अपना भी मत प्रयोग कर देंगे, मिक्स कर देंगे, इसलिए उनका नंबर पीछे चला जाता है। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। जो नियम कानून से कायदे से श्रीमत पर चलते हैं वो भले ज्ञान में पीछे आए हैं लेकिन वो आगे नंबर ला सकते हैं क्योंकि हमेशा श्रीमत पर चलेंगे। और जो श्रीमत पर अपना भी मन मत मिक्स कर देंगे वो बच्चे पीछे चले जाएंगे। गीत है रात के राही। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, मतलब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म है शांत, मतलब दोनों का अपना धर्म है शांत स्वरूप। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम बच्चों के अंदर से भी ओम शांति निकलना चाहिए। ओम शांति का अर्थ होता है मैं आत्मा शांति स्वरूप। ठीक है, अभी हम जाते हैं शांति धाम में, पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। बाबा कहते हैं कि पहले तुम आत्माओं को शांति धाम में जाना है, लेकिन पहले शांति धाम में परमपिता परमात्मा किसको ले जाएंगे? जो जितना याद करेंगे, जो जितना नंबर लाएंगे, जो जितना ऊंच पद लायक बनेंगे वो पहले शांति धाम में जाएंगे। अभी तुम आत्माभिमानी बनते हो, अभी तुम अपने आप को आत्मा समझते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अभी तुमको आत्माभिमानी बनना है, अपने आप को आत्मा समझना है, लेकिन अपने आप को आत्मा समझने में बहुत मेहनत लगेगी तुम बच्चों को क्योंकि तुम आधा कल्प से अभी शरीर का अभिमान करते चले आए हो। अभी तुम आधा कल्प से रावण के बस में हो तो इतना जल्दी देह का अभिमान थोड़ी ना छूटेगा, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। अभी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। अभी बेहद का बाप सबसे ऊंचा बाप परमपिता परमात्मा हमको आत्माभिमानी देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, जो आत्मा का रियल घर है उसका रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता नहीं बता ना सके, कायदा नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुखहर्ता, दुख से लिबरेट करने वाला। मतलब तुम्हारे जो मेन आत्मा का जो मुख्य घर है, मतलब तुम्हारे आत्मा का जो मुख्य घर शांति धाम है, तो शांति धाम का रास्ता शांति धाम के मालिक ही बता सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही तुमको अपने घर का रास्ता बता सकते हैं, दूसरा कोई आदमी मनुष्य नहीं बता सकता तुमको शांति धाम का रास्ता।
शांति धाम के मालिक परमपिता परमात्मा ही तुमको शांति धाम का रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि उनका नाम है दुख हर्ता और वो दुख से मुक्ति करते हैं हमारी, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप से दुख ने दुख से ऐसे नहीं कि सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है, नहीं। यह एक ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ, यह एक ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि जब तुम सतयुग में चले जाओगे तब तुम्हारी आत्मा को ये याद नहीं रहेगा कि हमको परमपिता परमात्मा ने पतित से पावन बनाया था और सुखधाम में भेजा है। ये एक ज्ञान तुमको अभी केवल मिला है संगम युग पर। तुम्हें जब सतयुग में चले जाओगे, देवी देवता बन जाओगे, तब तुम्हें ये पता नहीं रहेगा कि परमपिता परमात्मा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए हैं और सुखधाम का मालिक बनाए हैं, ठीक है। ये एक ज्ञान तुम बच्चों को अभी संगम युग पर ही है, यह एक ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है। जैसे संगम युग पूरा हो जाता है, सतयुग लग जाता है, तो ये एक ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है, तो फिर देवी देवता भले बन जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि परमपिता परमात्मा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए हैं, सतयुग का मालिक बनाए हैं। ये सब आत्माओं को पता नहीं रहता, भले ही सतयुग में पावन क्यों ना हो। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है, पतित से पावन बनाने का पार्ट एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। पतित से पावन केवल परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, जो कि एक कल्प में एक ही बार बनाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते हैं, कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल्प हम पावन थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो धीरे धीरे हमारी कला कम होती गई। सतयुग में हम देवी देवता थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते कला हमारी कम हो गई। कला तो कम होनी ही है, परंतु यह वहाँ मालूम नहीं रहता है। यह हमको सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मालूम रहता कि हम देवी देवता ही हैं, अब हमारी कला कम हो गई है। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है, वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो अभी बोलते हैं कि देवी देवता पतित कैसे बन जाते हैं, आओ 84 का चक्र सुनाएं, वो सब झूठी कथा है। 84 के चक्र की सत्य कथा अब तुम परमपिता परमात्मा के द्वारा सुने हो। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। जो साधारण लोग बताते हैं तो ये कलयुग की बहुत लंबी आयु बता देते हैं, लाखों में आयु बता देते हैं, इतने लाख कलयुग की, इतने लाख सतयुग की आयु बता देते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो मेरे द्वारा तुम 84 के चक्र की जानकारी अब लिए हो, उससे तुम चक्रवर्ती राजा रानी का पद पाते हो। यह गुप्त बातें सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। ये जो बातें परमपिता परमात्मा 84 जन्म की तुमको बताए हैं, ये सन्यासी उन्यासी नहीं जानते हैं, भले ही घर छोड़ देते हैं। उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे ना। कहा जाता है ना कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, तो यही अभी जैसे मान लीजिए कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आपको एक ज्ञान दे रहे हैं या हमको एक ज्ञान दे रहे हैं, हमको शूद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं ना, तो ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही ना हम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं। यह बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, जो तो ताली बज नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, एक के अलावा कोई धर्म नहीं है। एक ही देवता मतलब एक ही पद है, एक ही राजा होता है। वहाँ कोई ये नहीं रहता कि इसकी कमी में वो ताली बजाए, इसकी कमी में वो ताली बजाए, क्योंकि यहाँ तो धर्म की लड़ाई चल रही है अभी, वहाँ तो कोई धर्म होता ही नहीं है।
वहां माया ही नहीं होती। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न देवी देवता धर्म का मतलब होता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। जब तुम कहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बाबा कहते हैं जब तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो उनको सत्य नारायण कहते हो ना। क्यों कहते हो? क्योंकि वो सत्य थे और आजकल सब झूठ हो गया है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सल आदि। वह अब तो भगवान ही होगा, अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं कि बहुतों के तो नाम अभी भी लक्ष्मी नारायण है, राधे कृष्ण है, और मद्रास के तरफ तो बहुतों का नाम भगत वत्सलम है। तो ये सब भगवान ही होंगे, मनुष्य कैसे हो सकते हैं इनका, क्योंकि नाम भगवान वाला है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलीवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण बच्चों की अब आत्मा कह रही है कि अब हमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा से हमारी आत्मा बात कर रही है, ठीक है। परमपिता परमात्मा ऐसा एक ज्ञान दे रहे हैं जो किसी शास्त्र में ही नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वह भी एक्यूरेट नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का वो रूप जो रूप तुम देखते हो वो रूप तो सतयुग का था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। तो श्री कृष्ण का जो तुम चित्र भी देखते हो ना, वो बिल्कुल सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके। बाकी यह मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संबत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संबत है विक्रमाजीत संबत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापिस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। बाबा कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो कुछ न कुछ थोड़े बहुत यहाँ रहते हैं जिनको वापिस अभी जाना है। सभी नहीं, जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तब अभी सभी नहीं जा पाते हैं शांति धाम। पतित से पावन बनने का यह संगम युग पूरा है। जब पूरा बन जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संबत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहा जाता है। परम पिता परमात्मा कह रहे हैं कि जब कृष्ण का जन्म हो जाता है, प्रिंस प्रिंसेस का जन्म हो जाता है, कृष्ण जब छोटे रूप में आ जाते हैं तब भी यह चक्र चालू रहता है। सभी मनुष्य शांति धाम में तब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक सभी आदमी पावन नहीं बन सकते हैं, सभी आत्माएं तब तक पावन नहीं बन पाती हैं। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता है तब सभी आत्माएं पावन हो जाती है, जिनको विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एकरस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि टीचर को तो मालूम रहता है कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे, कितना नंबर पाएंगे, ठीक है। वैसे तुम बच्चों की भी अवस्था परमपिता परमात्मा को मालूम है। तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लो, परमपिता परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लो और फिर दान देते रहो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी नहीं कर सकता है। एक ज्ञान सागर बाप से यह तुमको एक ज्ञान रत्न मिलते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम ब्राह्मण बच्चों के अलावा एक ज्ञान रत्नों का दान कोई नहीं कर सकता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही एक ज्ञान सागर बाप से एक ज्ञान का रत्न मिलता है, तो तुम ब्राह्मण बच्चे ही दान कर सकते हो। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है,
तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, अपने को चेक करना है कि हम कितना दान कर रहे हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं, हमारे में जो अच्छे थे अच्छी बहने हैं कितना अच्छा दान करती हैं, रेस चल रही है ना, मम्मा बाबा कितना ज्ञान रत्न का दान कर रहे हैं, जो अच्छी बहने हैं तो वो कितना ज्ञान रत्नों का दान कर रही हैं, मतलब रेस तो चल रही है, लड़ाई तो चल रही है कि हम ज़्यादा ज्ञान रत्न दान कर लें, वो सोचते हैं हम ज़्यादा ज्ञान दे लें, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ ना, अभी तो रेस चल रही है, कहेंगी प्रेजेंट समय यह तीखे हैं, आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए, जो जिनकी शुरू में माला बनी थी, जो आत्माएं शुरू में आगे आई थी और अब जो आत्माएं अब शुरू में हैं उनमें बहुत फर्क है, 4-5 नंबर वाले जाने दाने जो थे ना वह भी मर गए, जो माला में 4-5 नंबर वाले दाने थे ना वो मर गए हैं, उनको विकार आ गया है, कई जिनको आगे नंबर में रखते थे अब वह नीचे नंबर में पहुँच गए हैं, नए नए ऊपर आ गए हैं, जो नीचे नंबर थे जिनका अब वो ऊपर आ गए हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पुरुषार्थ किया, और जो ऊपर के नंबर के थे अब वो नीचे चले गए हैं क्योंकि विकार में आ गए हैं, बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गुथरी जाने, ठीक है, परमपिता परमात्मा सब जान रहे हैं बच्चों के बारे में कि कौन बच्चा ऊपर जा रहा है कौन बच्चा नीचे जा रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि गुड़ जाने गुड़ की गुथरी जाने, बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी अब नंबर नीचे चला गया है क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, जो बच्चा पहले माला में ऊपर था सतयुग में ऊंच पद पाने का अधिकारी बन गया था वो अब विकार में आकर नीचे चला गया है, तो परमपिता परमात्मा उसको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम श्रीमत पर नहीं चल रहे हो इसलिए तुम्हारा नंबर नीचे चला गया है, अपनी मत पर चलते हो तुम। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो गति को क्या पाएंगे, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कोई भी परमपिता परमात्मा से इस समय पूछ सकता है कि अगर हमारा शरीर इसी समय छूट जाए, अगर हम इसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो हम कौन सी गति को पाएंगे, गीता में कुछ यह अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल है ना, सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ दुख हरो, सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, तुम बच्चे पुकारते रहते हो कि परमपिता परमात्मा आओ और रावण राज्य से छुड़ाओ दुख हरो, तो अब परमपिता परमात्मा आए हैं, तुम बच्चों को सूत्र से ब्राह्मण बना रहे हैं, सच्चे वर्षा दे रहे हैं, तो सच्चा हरिद्वार तो ये हुआ, दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है ना कि श्री कृष्ण को, ये जो हरि आप श्री कृष्ण को कहते हैं ना, हरि परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है क्योंकि दुख हरता है वो दुख को हर लेता है, इसलिए परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, कृष्ण को हरि नहीं कहा जाता, परमपिता परमात्मा ही दुख हरता और सुख करता है, तुम सुखधाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, उन्हों का है बाहुबल शारीरिक बल जो बुद्धि से बाम्स निकाले हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से विश्व का मालिक बनते हो और जो बाहुबल शारीरिक बल बुद्धि से बाम निकाले हैं वो तो खुद ही मर जाएंगे उसी बम से, योग शक्ति से ही तुम मालिक बन सकते हो, यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं है, दुनिया में यह किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है, परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चों के अलावा, तुम ज्ञानी बच्चों के अलावा ये किसी को पता ही नहीं है कि योग बल से कैसे विश्व का राजा बनेंगे, बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं, बाप कहते हैं मम एकम याद करो, मैं एक ज्ञान का सागर हूँ, महिमा गाते हैं ना, एक ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसे नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना राग हो जाए, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम हमको हमारी महिमा गाते हो ना, हमको कहते हो एक ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, लेकिन ये नहीं कहते हो योग का सागर, क्योंकि योग का सागर कहना रांग हो जाए, बाप एक ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर एक ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे, पहली बात बाप कहते हैं मम एकम याद करो, मुझको याद करो, और किसी को भी याद करना एक ज्ञान है, परमपिता परमात्मा कहते हैं, बाप कहते हैं कि मुझे एक को याद करो, निराकार को याद करो, किसी नाम रूप को याद करना तुम्हारा पागलपन है,
सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक ज्ञान बाप ही सुनाते हैं, योग के लिए भी शिक्षा देते हैं। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण बच्चों को शुरू मध्य अंत सब का एक ज्ञान देते हैं, कैसे सतयुग त्रेता द्वापर में क्या क्या था सब एक ज्ञान देते हैं, और योग की भी शिक्षा देते हैं कि कैसे परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए, यह है रूहानी योग। अगर आप जो साधारण मनुष्य हैं, ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं, बाबा के बच्चे नहीं हैं, अगर उनसे योग पूछो तो वो उल्टा सीधा एक ज्ञान देंगे। वो बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, शरीर ऐसा करो वैसा करो, उसको योग बोलते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी एक ज्ञान देते हैं। उनके योग का मकसद होता है शरीर को ठीक करना, लेकिन तुम बच्चे तो रूहानी योग कर रहे हो ना, तुम बच्चों का मकसद है आत्मा को ठीक करना, ना कि शरीर का ठीक करना। शरीर को ठीक करना तुम्हारा मकसद नहीं है, तुम्हारा रूहानी योग है। तुमको परमपिता परमात्मा को आत्मा के द्वारा याद करना है और आत्मा को ही पवित्र बनाना है, ठीक करना है। लेकिन जो लोग आपको, जो बिना ब्राह्मण शूद्र बच्चे हैं, उनसे अगर योग पूछोगे तो शरीर को ठीक करने के लिए योग बताएंगे, लेकिन वो असली योग नहीं है। असली योग है रूहानी योग, जिसमें आत्मा ठीक होती है। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला ना सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे और जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं, तुम यह बनाते हो समझाने के लिए। बाबा कहते हैं जो राजयोग के योग लगाने के कोई चित्र थोड़े न है, जो तुम बच्चे बना रहे हो चित्र योग के, वो सब समझाने के लिए है। सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े। यह ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है, बाबा कहते हैं फिर भी चित्र देखकर तो कोई समझ नहीं पाता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को उसको समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा राजयोग सीख जाएंगे तो नारायण बन जाएंगे, ये चित्र देख लो। ऐसा अगर बोलते हो तब समझ में कुछ आता है। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई कहेंगे हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करें, तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कहते हैं हे परमपिता परमात्मा हमारे बुद्धि को खोलो, हमारे बुद्धि में एक ज्ञान ही नहीं आ रहा है। अरे परमपिता परमात्मा तुम्हारी बुद्धि को क्या करेंगे, जितना तुम परमपिता परमात्मा को याद करोगे, परमपिता परमात्मा का एक ज्ञान लोगे, उतना तुम्हारी बुद्धि अपने आप खुलेगी। परमपिता परमात्मा तुम्हारी बुद्धि नहीं खोलेंगे। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है, बाबा कहो मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना, बिगर कहे कैसे सीखेगा। इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, परमपिता परमात्मा ही सबसे ऊंच है, वो सबका रचयिता है, परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग का वर्षा देता है। फिर तुम रावण राज्य में आ जाते हो, धीरे धीरे वर्षा तुम्हारी चली जाती है और नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है ही नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी, याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़े ही है, बाबा मुख खुलता नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम ये हमसे ये ना कहने आओ कि बाबा मुख नहीं खुल रहा है, घड़ी घड़ी हर समय बोलने की प्रैक्टिस करो। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो बच्चे रावण मत पर हैं। बाबा कहते हैं कि जितना तुम श्रीमत पर चलोगे, जितना हमारे कहे हुए मार्ग पर चलोगे, उतना ऊंच पद पाओगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे तो तुम्हारे पूरे रास्ते बंद हो जाएंगे, खुशी नहीं रहेगी तुमको। अगर तुम अपनी मत पर चले, अपनी बुद्धि के अनुसार अगर तुम बच्चे चले, तो फिर बाबा तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। बाबा कह देंगे कि तुम रावण मत पर थे तो जाओ अपना काम देखो। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या एग्जाम देंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं
जो ये कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा को तो जानते हैं, हम काहे के लिए मुरली पढ़ें, क्योंकि उनको शरीर का अभिमान होता है। तो जो शरीर अभिमानी हैं वो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, और जो मुरली नहीं पढ़ते वो दूसरों को एक ज्ञान कैसे देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट तो मुरली में ही निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है, यह तो मरा हुआ चोला है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। बाबा कहते हैं कि इस पुरानी देह को तुमको ममत्व छोड़ देना है, पुरानी देह का ममत्व तुमको छोड़ देना है, क्योंकि ये शरीर अब पुराना हो गया है, आत्मा पतित आत्मा इसमें घुसी हुई है, तो ये समझो कि ये मरा हुआ चोला है, ये मरा हुआ शरीर समझो, इससे ममत्व निकाल दो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो, कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो वह भी नहीं छिपती। बाबा कहते हैं जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है, जिसमें कोई अगर खामी है वो छिप नहीं सकती है, सब परमपिता परमात्मा के आगे है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है, कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा कहते हैं माया तो शैतान है ही, ये तुमसे उल्टे सीधे काम कराएगी ही, तो अगर गलती से माया के बस में होकर मान लो अगर कोई गलत काम कर ही दिए तो तुरंत बाप से क्षमा मांगो। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए, बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ, रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं कि बहुतों को शरीर का अभिमान बहुत रहता है, तो बाबा कहते हैं कोई से तुम सर्विस ना लो, अपने ऊपर उपकार किसी से ना लो, तुम अपने हाथ से भोजन बना के खाओ, पवित्र भोजन खाओ। तुमको रूहानी और जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है, मतलब आत्मा से भी सेवा करनी है और शरीर से भी सेवा करनी है। बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं, बाबा ब्रह्मातन में आकर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। जो समझ लिया कि ये काम हमने किया, उसको अहंकार झट से आ जाएगा। अगर जो समझेंगे कि ये काम हमारा परमपिता परमात्मा ने करवाया, तो उसको अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परिचिंतन नहीं करना चाहिए, यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे, भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। बाबा कहते हैं कभी दूसरों का चिंतन नहीं करना चाहिए कि किसी ने तुमको गलत बोल दिया, तुम उसकी टेंशन में दिन भर बैठे रहो, तो दूसरे का चिंतन तुमको बिल्कुल नहीं करना है, किसी की बात यहाँ से वहाँ नहीं सुनाना है। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, फलाना तो ऐसा है, यह है, ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना है। कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए, किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है बाप से अंदर बाहर साफ रहना है, कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है, रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है, मतलब आत्मा से भी शरीर से भी दोनों तरफ से सेवा करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परिचिंतन नहीं करना है, मतलब अगर कोई आपको गलत बोल देता है, कुछ गलत कह देता है या किसी दूसरे के बारे में गलत बात बताता है, तो उसको सोचना नहीं है, उसको अनसुना कर देना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुलटी बातें बताएं तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना है, इधर की उधर करके बता के किसी का दिल खराब नहीं करना है। वरदान है फ्रांक दिल बन अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देगी। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये रावण का राज्य कलयुग का लास्ट ऐसा चल रहा है कि इस समय किसी को खुशी है ही नहीं, किसी को शांति मिल ही नहीं रही है, तो जो अशांत है
उसको जाकर तुम अगर शांति दोगे तो तुमको दुआएं मिलेगी उससे। अशांत आत्मा को अगर तुम शांति दोगे, शांति का अनुभव कराओगे, खुशी का अनुभूति कराओगे, तो वो दिल से दुआएं देंगी तुमको। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रांक दिल से खुशी का खजाना बांटो। आप बहुत बड़े दाता के बच्चे हो, परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम अच्छे दिल से खुशी का खजाना सबको बांटो। तुम भी खुश रहो और जो अशांत है उनको भी शांति पहुंचाओ। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह ना सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं है। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी रहम दिल की भावना नहीं छोड़नी है। किसी कोई अगर अशांत है तो उसको ये ना सोचो कि ये इसके पास जाएंगे तो ये तो हमारी बातें नहीं सुनेगा। ऐसा ना सोचो, तुमको अपना काम ही है जान देना। तुमको अपनी भावना नहीं छोड़नी है, समझना ना समझना उसका काम है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन है, एक ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। एक ज्ञान योग की पालना ही आत्मा की पालना है, रूहानी पालना है, और इसी ज्ञान योग की पालना से शक्तिशाली तुम भी बनो और दूसरों को भी बनाओ। अगर आपको मुरली अच्छे से समझ में आई तो कमेंट में ओम शांति लिखें, और पर डे की मुरली ऐसे ही पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।